हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर स्पेशल सीरीज ऑन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी और पूरे विश्व का ध्यान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर खींचा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ये वो आंदोलन था जिसने स्वतंत्रता संग्राम में एक नई क्रांति की शुरुआत की। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। १९२० के दशक के अंत तक भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असंतोष की लहर तेज हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर कई प्रकार के टैक्स लगाए थे, लेकिन यह सबसे अन्यायपूर्ण टैक्स था नमक पर लगाया गया टैक्स। नमक जो हर भारतीय की दैनिक जरूरत का हिस्सा था, उसे बनाने और बेचने का अधिकार केवल ब्रिटिश सरकार के पास था। इससे भारतीय जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था। यह नमक टैक्स न केवल आर्थिक शोषण का प्रतीक था, बल्कि भारतीयों के जीवन पर एक गहरा असर डाल रहा था। इसे बदलने का समय आ गया था। महात्मा गांधी ने इस अन्यायपूर्ण नमक कानून के खिलाफ एक असाधारण आंदोलन की योजना बनाई। यह आंदोलन था नमक मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा, जिसका अर्थ है कानून का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना। उन्होंने कहा, हमारा संघर्ष है नमक के लिए, लेकिन असल में यह हमारे अधिकारों के लिए है। हम इस अन्यायपूर्ण कानून का उल्लंघन करेंगे और यह हम बिना हिंसा के करेंगे। इसी विचारधारा के साथ 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक की ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। इस यात्रा का उद्देश्य ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करते हुए नमक बनाना था। 12 मार्च 1930 की वह सुबह ऐतिहासिक थी। गांधी जी और 78 सत्याग्रही साबरमती आश्रम से दांडी की ओर रवाना हुए। यह यात्रा 24 दिन तक चली, जिसमें 240 मील की दूरी तय की गई, यानी लगभग 386 किलोमीटर की दूरी तय की गई। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, इसमें शामिल होने वालों की संख्या भी बढ़ती गई। यह केवल एक मार्च नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन बन गया। रिसेप्शन टू द सत्याग्रहीज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। Prayer meeting was held in the village. Gandhi explained his mission. The soldiers of the first batch had burnt their boats the moment the march began. He added that he would not return to the ashram until the Salt Act was repealed and Swaraj won. 6 अप्रैल 1930 का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों पर लिखा गया। उस दिन महात्मा गांधी ने दांडी के तट पर पहुंचकर समुद्री पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। यह एक प्रतीकात्मक कार्रवाई थी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर कर रख दिया और स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल डाली। गांधी जी ने नमक उठाते हुए कहा, इस मुट्ठी भर नमक से अंग्रेजों की नींव हिल जाएगी। और सचमुच यह घटना ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत बनी। दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन ने पूरे देश में आग की तरह फैल गया। लोग ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करने लगे, नमक कानून तोड़ा गया, टैक्स का भुगतान करने से इनकार किया गया और विदेशी वस्त्रों का भी बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें खुद महात्मा गांधी भी शामिल थे। लेकिन इन गिरफ्तारियों से आंदोलन की आग
और भड़क उठी। कांग्रेस पार्टी को अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन इसमें सत्याग्रहियों का आंदोलन नहीं रुका और वे अपना आंदोलन जारी रखने में सफल रहे। इसी बीच कलकत्ता और कराची में हिंसा की कुछ घटनाएं भी हुई, लेकिन गांधी जी ने पिछली बार असहयोग आंदोलन के विपरीत आंदोलन को वापस नहीं लिया। इस आंदोलन में कई प्रमुख नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू, वल्लभ भाई पटेल और राम गोपालचारी जैसे नेता गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। सरोजिनी नायडू ने धरसाना नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी थी। इस आंदोलन ने दिखा दिया कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में महिलाएं भी कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी थी। वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को संगठित किया और गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए करों का बहिष्कार करने का नेतृत्व किया। राम गोपालचारी ने दक्षिण भारत में आंदोलन को सक्रिय किया, जिससे पूरे देश में सविनय अवज्ञा की लहर फैल गई। नमक मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी। विदेशी मीडिया ने इसे व्यापक रूप से कवर किया और इसे गांधी जी का महानतम चुनौती के रूप में बताया। इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन और सहानुभूति दिलाई। इस आंदोलन ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में उपनिवेशवाद के खिलाफ चल रहे संघर्षों को प्रेरणा दी। इस आंदोलन ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं को भी प्रेरित किया, जिन्होंने अपने अपने देशों में समान आंदोलन चलाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार पर जबरदस्त दबाव डाला। आखिरकार गांधी इरविन समझौता होता है, जिसके तहत महात्मा गांधी और अन्य नेताओं को रिहा किया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ बातचीत पर सहमति दी। हालांकि यह समझौता पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। दोस्तों, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में कन्फ्यूज तो कहीं आप नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, नमक सत्याग्रह ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी और नमक के कर से स्टार्ट हुई आंदोलन अपने अधिकारों की मांग और ब्रिटिश कानूनों के उल्लंघन में बदल गया पूरी तरह से, और जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर भी एक बड़े साम्राज्य को हिलाया जा सकता है। यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने करोड़ों भारतीयों को संघर्ष की प्रेरणा दी। दोस्तों, यह थी कहानी नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अगले एपिसोड में हम भारत छोड़ो आंदोलन और तत्काल स्वतंत्रता की मांग पे चर्चा करेंगे, जिसने ब्रिटिश शासन को अंतिम झटका दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद।